अगर हम लोग ये कहते हैं ना कि वी आर फेसिंग द चैलेंज देन वील कीप ऑन फेसिंग द चैलेंज, रादर ओके, वी वुड से वी आर एंजॉइंग द चैलेंज ड्यूरिंग द लॉकडाउन. जैसे मैंने आपको एंजॉय कहा था रादर द वी मोमेंट। एंजॉइंग द चैलेंज, बट एज यू सेड यू नो व्हेन आई हैड अ फायर, आपने पूछा ना कि जब आग लग गई थी जल गया जिसकी वजह से आई हैड टू स्टॉप द रणभूमि प्रोजेक्ट, तो उसके बाद आप कैसे यू केम आउट एज अ फिनिक्स. प्रॉब्ली दिस इज द एटीट्यूड. जैसे आपके साथ मैंने शेयर किया, द फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड वाज व्हेन आई सॉ माय हाउस, माय प्रोडक्शन हाउस बर्निंग, द पहला चीज जो मैंने किया था ना वो है जो एशेस था, जो फायर था, फायर ब्रिगेड ने उसको बंद कर दिया था, पर मैंने वो जो जलती हुई आग के जो टुकड़े थे उसमें मैंने चाय बनाया था. मतलब वहां भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे थे। एवरीथिंग इज लॉ, यू बर्नड ऑल योर फुटेज, यू बर्नड योर मास्टर्स, यू बर्नड एवरीथिंग आउट ऑफ इट। और अ सीरियस नोट, अपने डिस्ट्रक्शन, अपने एक बेबी के ऊपर आपने उसको जलता हुआ देखा, उसमें चाय बनाई आपने। तो आज अगर आप वेरी माय गॉड, आई थिंक यू कैन डू इट। I know that may sound little abstract, but I think life is all abstract. It's about how you look at it. मेरे पास और भी ऑप्शन क्या था चाय बनाने के अलावा? I mean, चाय is the best thing. चाय we all enjoy, right? And चाय gives you more ideas of how you can, you know, build another probably another palace or maybe another empire out of this ashes. That's exactly what you've written in your introduction, the Phoenix. In last 2 months, we might have thought about at least more than 150 different ideas and concepts of business which you can sell to the people. We have developed our skills and we have gone way ahead with that. So that's how a company should function, I believe, So especially the futuristic one. you've championed the challenges which have come in and taken bull by the horn. Absolutely, I think. We enjoy doing And you enjoy doing that. that, Absolutely enjoy doing that.